फ्रेंड्स, मैं रात से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं लगाने जा रही हूँ हाथों में मेहंदी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम मेहंदी लगा रहे हैं अपने हाथ को। ये मेहंदी हमारे हाथ में पूरी तरह लग चुकी है। देखिएगा, आप लोग बताइएगा किस तरीके कैसी लग रही है आप लोगों को। यहाँ पे अलीशा को भी मेहंदी लग गई है, देखिए आप लोग। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अलीशा मॉम चैनल में आपका स्वागत है। कहो कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी फ्रेंड्स, हम किचन में आ गए। हमने आटा गूंथ के लगा लिया है। अब मैं पूजा की तैयारी करूँगी, उसके साथ लंच भी बनाऊँगी। मैं बना रही हूँ जो भी हमारे यहाँ पूजा के लिए बनाया जाता है, देखिए आप लोग। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के यहाँ से किस तरीके से पूजा होती है। ये आटे की ज्वेलरी बनाई जाती है जिसको हम ऐसे तेल में फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने निकाल दिया है पूजा में लगने वाली चीज़ें। ये साइड में देख रहे हैं आप, ये ज्वेलरी है हमारे यहाँ जो आटे की बनती है। और ये पापड़। गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। मैं हो गई पूजा के लिए रेडी। मिलती हूँ आपसे कुछ देर में। तो गाइस, अब मैं अपने पैरों में लगा रही हूँ आटा। यहाँ पे अलीसू के पैर में लग गया है अलता, देखिए छोटे छोटे पैरों में लग गया। फ्रेंड्स, ये है हमारे पूजा की थाली जो कि हमने तैयार कर ली है। तो गाइस, हम पहुंच गए पूजा करने के लिए। ये हमारे जस्ट घर के पड़ोस में है मंदिर, उसी में हमारे यहाँ पूजा होती है। देखते हैं पूजा, मिलते हैं आपसे कुछ देर में। आप लोग देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, कोई भी नहीं था। हमने बहुत अच्छे से पूजा। Thank you.
जो चने 12 मुँह में डाल के इसको निकला जाता है पानी के साथ, वो हम कर रहे हैं। और ये छोटा सा मंदिर है जिसके दर्शन मैंने किया और आप लोग भी कर लीजिए। है फ्रेंड्स, तो हम पूजा करके आ गए हैं और हमने बहुत अच्छे से पूजा की और वहाँ भीड़ नहीं थी इसलिए हमने मास्क नहीं लगाया। आप लोग भी बताइए आप लोग की पूजा किस तरीके से हुई और आप लोग के यहाँ किस प्रकार से होती है। यहाँ पे मैं अलीसा को पढ़ाई करवा रही हूँ। अभी हो गई शाम, हम लोग छत पे आए तो अलीसा मस्ती कर रही है। हाय फ्रेंड्स, तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में। अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने काट लिया है सारी मिक्स वेजिटेबल। और इससे मैं देखिए क्या बनाती हूँ। ये मैंने सारी वेजिटेबल काट ली है, आलू, लोबा, लौकी, परवल, इस तरह सब्जियों को डाल के फ्राई कर लेंगे अच्छे से थोड़ा सा मसाला डाल के। यहाँ पे मैंने चावल ले लिया, मैं इनको डाल दूँगी धुल के और मेरा वेज पुलाव रेडी हो जाएगा। मैंने सारे वेजिटेबल मिक्स करके बना लिया है। आप इसे तैड़ी भी बोल सकते हो, आप इसे वेज पुलाव भी बोल सकते हो। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। बाय।